हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक वस्तु, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, वो एटम से बनी होती है, और एटम खुद ही में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। पर मैं आपसे पूछूं कि हमारा यूनिवर्स किससे बना हुआ होता है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। बट हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा यूनिवर्स डार्क मैटर से बना होता है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ही होगा कि व्हाट इज यूनिवर्स डार्क मैटर, ये आप जानोगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो जीनियस पीपल, मेरा नाम है मिस्टर टीके और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड टीके, मीन सम फैक्ट्स यू मस्ट नीड टू नो। एक प्यारे से इंट्रो के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और वीडियो के एंड में आपको बताने जा रहा हूँ कि हफ्ते का आप 10,000 से 13,000 कैसे कमा सकते हैं, तो वीडियो इसलिए एंड तक ज़रूर देखें। तो इससे भरपूर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गैलेक्सी और स्टार्स के मास जोड़ दिए जाए तो यह यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा है और बाकी का डार्क मैटर है। एक स्टडी में हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि डार्क मैटर बिग बैंग से पहले भी एग्जिस्ट करता था। माना जाता है कि ब्रह्मांड के कुल मास का 85% हिस्सा एक मिस्टीरियस एंड इनविजिबल पार्टिकल से बना है, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी रिपेल करता है, उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। पर आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आया होगा कि मैंने डार्क मैटर को इनविजिबल और मिस्टीरियस क्यों बोला है। इसका जो आंसर है वो ये कि डार्क मैटर कोई भी लाइट या रेडिएशन को इमिट नहीं करता, लेकिन हम इसके पार्टिकल से टकराव का स्टडी पृथ्वी पर ही कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसा कोई उपकरण नहीं है, ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है जो इसे देख पाया आज तक, आज की कंडीशन में तो नहीं है, पर इन फ्यूचर जरूर बनेगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट बहुत ही बुद्धिमान है और हमें हमारे साइंटिस्ट पे बहुत गर्व है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, किसी भी तरह का ये रेडिएशन इमिट नहीं करता है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ये इमिट नहीं करता है और पास भी नहीं करता है, जो आजकल के स्टडी में, स्पेस इन्वेस्टिगेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही बड़ा रोल होता है। और इसके बावजूद स्पेस डार्क मैटर के बिना गैलेक्सियां उनके समूह एक साथ नहीं रह पाएंगे और वे बिखर जाएंगे। ये है डार्क मैटर का इम्पोर्टेंस। ना हम डार्क मैटर को देख सकते हैं, अब तक की कंडीशन में तो देख नहीं सकते, पर इन्वेस्टिगेशन इस पे जारी है। इन फ्यूचर ये मिस्ट्री जल्दी ही टूट जाएंगी, जल्दी ही अनलॉक हो जाएंगी, और हमें डार्क मैटर के बारे में ज़रूर पता चलेगा। फर्दर साइंटिस्ट स्टिल ऑन रिसर्च। और जैसा कि मैंने बोला था, आप 10,000 से 13,000 दर पर हफ्ते कमा सकते हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करना है, और वो अकाउंट पे मुझे सिर्फ साधारण DM करना है यस बोल के। फर्दर मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। और एंड में इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।